गांव गलियों में ज़्यादातर मोहल्लों में हमें लगता है जानकारी की जाए तो लोगों को जो है काले कानून के विषय में जानकारी अभी तक नहीं है। ये जानकारी सिर्फ जो है बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को जानकारी है। बड़ी मशक्कत से गेहूँ अनाज पैदा करता है, मेहनत करता है, वो अपने उसी में उसको अन्नदाता कहा जाता है, तो सबका पेट पालता है। आज उसके ऊपर ये कुठारा घाप जो हो रहा है उसको अभी जानकारी लगभग जो है 50% लोगों को नहीं है कि काला कानून है क्या। इस काले कानून की जानकारी के लिए हमारे परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गांव-गांव जाकर के जमीनी स्तर पे एक कार्यक्रम रखने का कार्यक्रम फैसला लिया है साथियों, जो कि आज हम लोग परम आदरणीय देव श्री शालिग्राम यादव जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर के अरे ये ना लगाओ बगल बगल में बैठ करके अलाव चला करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो है मनसा है कि जो है गाँव का हम लोग चौपाल लगा कर गाँव किसानों को हर चीज़ बताने का काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमारे सभी भाई ने बताया, डॉक्टर मोहनलाल जी ने बताया। तो हम आज महमूद नगर में हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गांव-गांव किसान घेरा कार्यक्रम व चौपाल कार्यक्रम कराने का निर्देश हुआ है। आज महमूद नगर गाँव में माननीय संजय पाठक जी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री मोहन लाल पासी जी और शालिक ग्राम महमूद नगर ढाल में किसान विरोधी कानून के विरोध में किसानों को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जिस तरह से आदेश पारित किया गया, वहीं आपको बताएं अब हम आपको लेकर आए मलिहाबाद के ग्राम महमूद नगर क्षेत्र में, जहां पर किसान चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो कानून बिल को लेकर देश में आंदोलन है उसको किसानों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मोहनलाल पासी, संजय पाठक, संदीप यादव के नेतृत्व में मलिहाबाद क्षेत्र में यहाँ पर एक चौपाल लगाई गई है महमूद नगर ग्राम सभा में। अभी जानते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कहेंगे कि लोग बैठे हैं चौपाल लगाकर और काफ़ी ठंडी है, जिस तरह से लकड़ी की भी व्यवस्थाएं की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस चौपाल को सफल बनाने की में कहीं ना कहीं ये वातावरण का प्रकोप ना हो, ठंडी से दिक्कतें ना हो लोगों को। अभी जानते हैं कि आखिर जिस तरह से आज चौपाल लगाई गई है मलिहाबाद के महमूद नगर में, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा और किस तरह से किसानों को जागरूक कर रहे हैं और किसान इस लखनऊ क्षेत्र के किसान कितने जागरूक हैं, प्रदेश में जिस तरह से देश में जिस तरह से किसानों का आंदोलन है उसके समर्थन और विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से गांव-गांव चौपाल घेरे में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से गांव-गांव किसानों को जागरूक करने के लिए चौपाल कार्यक्रम आज राजधानी में चला रही है, वहीं हम आपको लेकर आए मलिहाबाद महमूद नगर में, जहां पर किसान साथी हमारे साथ हैं जिनसे जानते हैं कि जो किसान बिल है जिसके लिए आज ये चौपाल लगाई गई है किस तरह की जानकारी है। चाचा, इस बिल के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी यह है भैया कि बिल बांधने वो मीटर बांधने आए उस दिन, हम लोगों ने 10-5 जने टेबल वाले मिलकर के कहा सुना, बातचीत होने लगी तो मारने की धमकी देने लगे। कौन? वही बिजली वाले हाँ। उसके बाद में जब हम लोग जोर कसा तो फिर पुलिस बुलवा लिया। ठीक है, तो जब किसानी ये करने नहीं देंगे, पानी हम लोग लगाई कत्ता महंगा लगा के, तो बीज भंडार इनके यार कोठी भर बह जाए, जब हमके खा के नहीं ठिकाना हुई तो इनके यार भंडार कहाँ भरत फिर भाई हम लोग। मतलब सरकार जो इस समय कर रही है वो आप लोगों के विरोध में कर रही है? विरोध में कह रही है, ये मीटर का बिल हम लोग और या किराया दे भाई भाई। तो आज जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ चौपाल लगाई थी इसमें कुछ जानकारी मिली? आज जानकारी मिली तो यह किसान के हित का काम हो रहा, अगर हो गया तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, उन्हें तो हम लोग बेकार तो आई हैं। ठीक है, तो जैसा कि किसान से हमने बात की और जाना कि किस तरह की समस्याएं किसानों को आती हैं खेती करते समय और जिस तरह से ये कानून बना है जिसके लिए आज समाजवादी पार्टी ने कहीं आज यहाँ चौपाल लगाई है, हमारे साथ नेता हैं जिनसे जानते हैं कि आज इस चौपाल के बारे में वो क्या कहेंगे। संजय जी, आखिर बताएं कि आज की जो चौपाल लगाई गई है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा और किसानों को किस तरह से आप लोग इस बिल के बारे में बता रहे हैं? हम लोग किसानों को बिल के बारे में हमारे वहाँ मोहन भाई जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया जी। और हमारे शालिग्राम भाई जी बड़े भाई जी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि ये काला कानून है, हम उसको उनको सरकार को बैक करने के लिए कहते हैं कि इनको ये कानून हटाए
और किसानों की भलाई के लिए ही कर। जैसे ये बिल वापस नहीं लिया जाता है क्योंकि देश में आंदोलन है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी क्या किस तरह से किसानों के समर्थन में और बड़ा आंदोलन करेगी, इससे बड़ा आंदोलन करेगी। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, बॉर्डर घेरेंगे, जो हम लोगों से हो सकेगा किसानों के हित के लिए हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, तो हमारे किसान यूनियन के प्रदेश सचिव सालुग्राम जी हमारे साथ हैं। आखिर बताएं सर, जिस तरह से आज आप लोगों ने चौपाल लगाई, किसानों को इस बिल के बारे में पता ही नहीं है, तो किस तरह से आप लोगों ने जागरूक किया? तो हमने आज इनको पूरी तफसील से बताया जी कि इसमें तीन काले कानून हैं जी। एक है असीमित भंडारण जी। असीमित भंडारण में कोई भी आदमी कितनी भी चीज़ को कितने भी समय के लिए स्टोर कर ले जी, तो उस पर 3/7 का कानून नहीं लगेगा। ये सन 1955 में कानून बना था कि कोई सीमा से अधिक किसी चीज़ को भंडारण नहीं कर सकता। जैसा कि किसान नेता हैं आप, क्या लगता है अशिक्षा के कारण किसानों को इस बिल के बारे में पता ही नहीं है? किसान को बिल के बारे में पता नहीं था, मगर अब धीरे धीरे हमारा सारा किसान इस बिल को समझ गया है जी। और सरकार को बैक फुट पर आना पड़ेगा, सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। सरकार अगर किसान अगर सरकार बनाना भी जानता है तो सरकार को हटाना भी जानता है। बिल्कुल, सरकार को बैक फुट पर आना पड़ेगा, ये बिल वापस होंगे। मंत्री विधायक एमपी एमएलए तो छोड़ दो, इनको पंच तक नहीं बनने दिया जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं होगा। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ किसान नेता सालिग्राम यादव। अभी हमारे साथ संदीप यादव युवा नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं मलियाबाद से। अभी इनसे जानते हैं कि आखिर आज की इस चौपाल में उनका क्या कहना है, किसानों को किस तरह से उन्होंने जागरूक किया और इस बिल के लिए किस तरह का विरोध रहेगा। सर, आज की इस बैठक में, आज के इस चौपाल में किसानों को किस तरह से आप लोगों ने बिल के बारे में बताया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस गुंगी बैरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि किसान कोई बेवकूफ़ नहीं है। इस देश को अगर किसी ने बनाया है तो किसान ने और जवान ने। आज देश में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि हमारे किसान भी रोड पर हैं और हमारे देश के जवान भी रोड पर हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जहां एक तरफ किसान बैठा हुआ है, वहीं हमारा किसान का ही बेटा जवान सामने बैठा दिया गया है सरकार ने। तो अगर इस देश को बनाया है तो किसान ने और जवान ने। रही बात बिल की, तो इस सरकार को बिल तो वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल सरकार किसानों के समर्थन में ही नहीं है तो वो बिल हम कैसे मान लें कि हमारे समर्थन में है? जैसे वो लगातार कह रहे हैं कि ये किसान के समर्थन में है, किसान का इससे विकास होगा। यदि किसान का विकास होता तो वहाँ पर आज करोड़ों किसान, पूरा देश का किसान रोड पर क्यों होता? तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा सरकार से, और उससे चेताना भी चाहता हूँ कि यदि ये कानून सही, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चौपाल और गाँव गाँव जाके बता रहे हैं, अगर ये नहीं माने तो यही किसान एक दिन रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और इस देश में जो गुंगी बैरी सरकार है इसको हटाने का काम करेंगे। और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, लॉकडाउन के समय उन्होंने किसान का धन्यवाद दिया। जब देश में लॉकडाउन आई, ऐसी बुरी स्थिति हालत पैदा हो गई, उस समय इस देश के किसान ने इस देश को संभाला है। ठीक है, तो किसान ने ही देश को बनाया। बिल्कुल, तो हमारे साथ अब चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी है जो लगातार काकोरी क्षेत्र में गांव-गांव चौपाल में शिरकत भी कर रहे हैं। मोहन जी, आखिर बताएं कि किस तरह से आज मलियाबाद के इस क्षेत्र, मलियाबाद की इस ग्राम सभा में किसान कितना जागरूक दिखा इस बिल को लेकर? आज हम लोग जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार ग्राम जो है महमून नगर में जो है एक उनके आदेशानुसार जो है एक किसान चौपाल लगा करके हम लोग लोगों को जो है जो एक काला कानून बना कर लाई है सरकार, उसके विरोध में हम लोग किसान के समर्थन में वो किसानों को जगाने का काम गांव-गांव जा करके ज़मीन स्तर पर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और जो है जो आदेश जो है माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हुआ, उनके आदेशानुसार हम लोग किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव राशिद जी हमारे साथ हैं, जिसे जानते हैं कि आखिर जो आज मलियाबाद के ग्राम सभा में जो चौपाल लगाई गई है किसानों को जागरूक करने के लिए, सर आखिर किस तरह से किसान जागरूक दिखा? हम 3-4 जगह जा चुके हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जी। आज पूरे प्रदेश में ये अलाव जलाओ, किसान दिवस, घेरा डालो मनाया जा रहा है। बहुत सी जगह गए किसान, सब जगह इकट्ठा हुए, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं सभी किसान इकट्ठा हैं जी, जी। ये जो बीजेपी की निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है, इसने जो किसानों के लिए
काला कानून लाई है, तीन काला कानून लाए हैं जी। इसमें किसान दिल्ली बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर, हर जगह हमारे किसान भाई एक महीने से ऊपर हो चुका है। पूरे पूरे इस ठंडक में सभी लोग एकजुट हैं, बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ लोग वहीं खाना पका रहे हैं, औरतें खाना पका रही हैं और खा रहे हैं। लेकिन इस जालिम सरकार को इस ठंडक में किसानों की आहट जो है, परेशानी जो है, वो दिखाई नहीं दे रही। मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है इस बिल के विरोध में और किसानों को जागरूक कर रही। किसान हमारे, मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर किसानों के फेवर में सर बिल के विरोध में हम सभी लोग आज गांव-गांव ये कार्यक्रम मना रहे हैं। घेरा डालो, अलाव जलाओ, ये मना रहे हैं हम सभी लोग। सब लोग एकजुट हैं और किसान हमारी बात सुन रहे हैं। अब हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आज मौका आ गया है कि हम सब समाजवादी एक हो जाएं। कोई ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, सिर्फ समाजवाद हो और साइकिल निशान चुनाव निशान देके तभी सरकार को हम लोग हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते हैं। आज हम लोग सब एकजुट एक मंच पर हो रहे हैं, मंच पर आ गए हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो युवा किसान नेता सचिन जी हमारे साथ हैं, जिससे जानते हैं कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने चौपाल लगाई गाँव में किसानों को जागरूक करने के लिए, आखिर किस तरह से किसान जागरूक दिखा? किसानों को किस बिल के बारे में पता भी है? किसानों का भी इस बिल के बारे में हम समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर जगह पे छोटी छोटी चौपाल लगा के उन्हें बताया जा रहा है कि इस बिल में क्या है, कैसे उनके विरोध में ये बिल है और ये बिल क्यों लाया गया है। जैसे कि इसके पहले एक जमाखोरी का कानून चलता था, उस जमाखोरी के कानून को हटा दिया गया। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें अब एक पूरा मौका दिया गया कि वो असीमित भंडारण कर सकते हैं, जिससे किसान को नुकसान होगा। आने वाले समय में अनाज इतना महंगा हो जाएगा कि हम किसान को जो अपना अनाज 10 रुपये 5 रुपये किलो बेचेंगे, वही अनाज हम लोगों को खाने के लिए 70 रुपये 80 रुपये किलो के भाव में मिल सकता है। इसीलिए एक ये बहुत ही बड़ा किसान विरोधी अध्यादेश है, जिसे वापस लेना चाहिए। इसीलिए सरकार के खिलाफ हम लोग हर किसान को जागरूक करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए हर किसान सड़कों पर आएगा, आंदोलन करेगा और संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो जैसा कि चौपाल लगाकर समाजवादी पार्टी के नेता आज मरियाबाद के महमूद नगर में जिस तरह से यहाँ चौपाल लगाई गई, हमारे साथ कई नेताओं ने बात की और बताया कि किसान कितना जागरूक है इस बिल को लेकर। जहाँ आपको हमने दिखाया कि किसान को इस बिल के बारे में पता ही नहीं था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लखनऊ में निकली है, हर ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को जागरूक करें। हमारे साथ राजबाला रावत जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर किसान कितना जागरूक है और समाजवादी पार्टी इस किसान बिल के विरोध में किस तरह से है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मलिहाबाद विधानसभा में बूथ स्तरीय हम लोगों ने जो ये किसान घेरा चौपाल है, तो हम लोगों का ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और हम लोग कई जगह पे कार्यक्रम करके मैं अभी आ रही हूँ और किसानों के बीच में मैं गई हूँ और काफ़ी लोगों तो को खैर जानकारी पूरी थी और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने जानकारी कराई कि जो ये काला कानून है, ये तीन बिल जो भाजपा सरकार लाई है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से उनको बताया, उनकी समझ में भी आया है। काफ़ी किसान अब बिल्कुल ये बात तय कर लिए हैं कि कुछ भी हो जाए अब इस सरकार से अपना अधिकार हमको लेके रहना है और अपने अधिकारों की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक कि ये भाजपा सरकार अपने काले तीनों बिल वापस नहीं ले लेगी। तब तक हम लोग इसी तरीके से सड़कों पे उतरते रहेंगे और दिल्ली में जो हमारे किसान बैठे हैं उनके साथ में हजारों लाखों किसान प्रतिदिन बढ़ता जाएगा वहाँ, और हम समाजवादी सभी साथी किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ में रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। आज जिस तरह से जो चौपाल लगाई गई है किसानों के लिए, जो ये एक दिवसीय है या भी ये चलने वाली है? देखिए ये एक दिवसीय नहीं है जी, हम लोगों ने ये सोच लिया है, हम लोग एक आंदोलन की तरीके से और ये प्रण लेके रखे हैं कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग लगातार इसी तरीके से सड़कों पे उतर के गांव-गांव गली गली कूचे कूचे में जाके किसानों को जागरूक करेंगे और इसी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे साथ एक नेता और हैं विधानसभा मलिहाबाद के, सर आखिर किस तरह से देखते हैं इस बिल को, किस तरह से आज जो आप लोगों ने भ्रमण किया चौपालों में गए, किसानों की बड़ी समस्या कह रही? किसानों की बड़ी समस्या तो जब किसानों के बीच में जाने से यहाँ पता चला जी, किसान बहुत आक्रोश है, दुखी है और बड़ा गरीबी बढ़ गई है
और गरीबी में और गरीबी लाने के लिए ये जो बिल आया है, इससे किसान बहुत आक्रोश है। किसान चाहता है कि जब हमारा कोई मूल्य निर्धारण हो तो हमारे प्रतिनिधि बैठा ले जाएं, हमारी लागत आंकी जाए कि क्या लागत है, तब उसका मूल्य निर्धारण किया जाए। एक सुई बनाने वाली कंपनी, एक सूजा बनाने वाली कंपनी, कंपनी नहीं जो मिस्त्री अपने हाथ बनाता है वो भी जो है 5 रुपये 4 रुपये का अपने कीमत निश्चित करता है और उससे कम में वो नहीं बेचता है। किसान की लागत कितनी आई, कितना नुकसान हो गया, लेकिन सरकार ने जो रेट निश्चित कर दिया उससे ज़्यादा कहीं नहीं बिकने वाला। दूसरी चीज़ जो किसान ने सरकार ने रेट निश्चित किया, सरकार कहीं जांच नहीं करा रही, किसी भी कांटे पर जो सरकारी कांटे लगे हैं क्रय केंद्रों पर किसी किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, सब बिचौलियों के द्वारा किया जा रहा है। अगर सरकार उसकी जांच कराए तो पता चलेगा कि किस कांटे पर किस किसान का कितना धान खरीदा गया है। तो किसान दुखी है, किसान बहुत गरीबी तरफ बढ़ रहा है, किसान की स्थिति ये हो गई है आज 5 साल 6 साल में, किसान का अगर लड़की की शादी करे तो ज़मीन बेचना पड़ रहा है, बिल्कुल लड़के की शादी करे तो ज़मीन बेचेगा, किसान को अगर घर बनाना है मकान बनाना है तो ज़मीन बेच के कर रहा है, और सरकार तो ये कर रही है कि किसान की ज़मीन पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मलिहाबाद से नेता, जिन्होंने बताया कि आखिर किसानों की बड़ी समस्या क्या है जिस वजह से समाजवादी पार्टी ने अलाव, जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि अलाव भी जलाया है ठंडी के माहौल को देखते हुए, किसानों को जागरूक करने के लिए आज इस चौपाल का आयोजन राजधानी के महमूद नगर मलिहाबाद क्षेत्र में किया गया था, जहां लखनऊ में कई ग्राम सभाओं में इस तरह के आयोजन किए गए हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरों ने किसानों को जागरूक किया और बताया कि इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा इसी तरह से समाजवादी पार्टी आंदोलित रहेगी। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।